सॉरी क्या हुआ मदा साहब, क्या हुआ क्या लाइसेंस नहीं? ये पीछे आप लोग जो लोकेशन देख रहे हो गंगा को देख रहे हो भाई, यहीं पर यस बॉस मूवी की शूटिंग हुई थी शाहरुख खान सर की। मेरे पीछे आप लोग फिलहाल देख रहे हो ये है शाहरुख खान सर का घर मन्नत, और सामने आप लोग देख रहे हो 1100 समुंदर। वीडियो को लास्ट आप लोग देख रहे हो मेरे पीछे, यहाँ समुंदर है इधर साइड आप लोगों को पीछे देखने को मिलेगा। इस साइड है शाहरुख खान सर का घर मन्नत, सामने आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये जगह आप लोगों को देखने को मिलेगी जो आज की शूटिंग लोकेशन पॉइंट होने वाली है। यहीं एक समय शाहरुख खान सर की यस बॉस मूवी के सीन्स को लिया गया था इसी जगह। भाई आज से करीब 20 साल पुरानी फिल्म की शूटिंग लोकेशन को मैं दिखा रहा हूँ, जिस टाइम शाहरुख खान सर का ये घर नहीं हुआ करता था मन्नत जो आप लोग सामने देख रहे हो, उस टाइम शाहरुख खान सर की मूवी का यहीं एक सीन को रिकॉर्ड करा गया था। आज की इस वीडियो में आप लोग ये देखने वाले हो। यहाँ प्यारा सा एक समुंदर है, बहुत ज़्यादा प्यारा सा लग रहा है देखने में। यहाँ पर शाहरुख खान सर का घर है मन्नत, आप लोगों को सामने देखने को मिलेगा, वो भी आप लोगों में थोड़ा नज़दीक से जाके दिखाऊंगा। इस एड्रेस पे कैसे आना है, कैसे विजिट करना है ना, मैं इस सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहना भाई, मज़ा काफ़ी ज़्यादा आने वाला है वीडियोज़ के अंदर। और पीछे समुंदर है, उसके पास भी लेके चलूँगा, टेंशन मत लेना, बट वीडियो को लास्ट। सामने से आप लोगों को वो लोकेशन देखने को मिलेगी जहाँ से शाहरुख खान सर स्कूटर पर बैठ के आते हैं। भाई आज ये एरिया उनके नाम से जाना जाता है, लोग आते हैं तो बोलते हैं कि हमें मन्नत जाना है, बांद्रा से मन्नत बोलते हैं, तो मन्नत सामने आता है। यहीं शाहरुख खान सर के घर के आगे एक बड़ा बोर्ड भी लगा है फिल्म इंडस्ट्री का, भाई फिल्म इंडस्ट्री का लगा ही रहेगा क्योंकि शाहरुख खान सर बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार हैं और हॉलीवुड में भी उनका नाम आता है। यहाँ से उनका एक फिल्म का सीन दिखाया जब वो स्कूटर लेके आ रहे होते हैं। आज आप लोग ये घर, ये दीवार देखोगे जो एक समय भी मौजूद थी, आज भी मौजूद है, बस थोड़ा सा इस घर के अंदर और इस दीवार के अंदर हम लोगों को चेंजेस देखने को मिलते हैं। जब शाहरुख खान सर यहाँ से स्कूटर लेकर आते हैं तो आप लोग देखोगे करीब मूवी 20 साल पुरानी है, ये सब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंजेस हो गई, आज यहाँ पत्थर बन गए, एक समय ओनली यहाँ पर पेड़ ही पेड़ हुआ करते थे। शाहरुख खान सर जब स्कूटर लेके जा रहे हैं तो वो सीधा सीधा जाते हैं, एक सीन है जो यहीं इनके घर के आगे रिकॉर्ड हुआ था, वो सीन्स भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। उस जगह पहुँच के वहाँ से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा साफ दिखने वाला है। जगह आप लोग देखोगे यहीं पर शाहरुख खान सर की फ़िल्म का एक सीन को रिकॉर्ड करा गया था। शाहरुख खान सर जब वहाँ से स्कूटर लेकर आ रहे हैं ना, तो लेकर आने के बाद वो यहाँ पर रुकते हैं। इस जगह रुकने के बाद यहाँ एक हवलदार खड़ा होता है। एक समय हम लोग देखेंगे शाहरुख खान सर का घर आगे मन्नत, सामने मन्नत बना है, उसके आगे ये चबूतरा है। जब फैंस आते हैं शाहरुख खान सर से मिलने के लिए तो यहाँ इस जगह पर पूरे पूरे में भीड़ भीड़ लग जाती है, चारों तरफ आप लोगों को देखने को मिलेगा, पूरा भीड़ ही भीड़ हो जाता है, ठीक है। बट एक चीज़ हम लोग देखेंगे फिल्म के अंदर, 20 साल पुरानी फिल्म के अंदर हम लोग देखेंगे जब शाहरुख खान सर यहाँ पर आते हैं, खड़े हैं, स्कूटर है और एक हवलदार होता है जिससे शाहरुख खान सर, जिसमें हमारा उनका भी रोल दिखाया है, क्या नाम था यार मैं तो भूल गया, यहाँ पर जूही चावला, शाहरुख खान सर और वो हवलदार खड़ा दिखाया है। भाई हम लोग देखेंगे आज से करीब 20 साल पुरानी फिल्म के अंदर यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को चेंजेस करके दिखाया गया था। यहाँ जो आप लोग अभी फिलहाल पत्थर की जगह देख रहे हो, यह एक समय हम लोगों को देखने को मिलती है जहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ वगैरह लगे रहते हैं और यहीं पर शाहरुख खान सर की मूवी का सीन रिकॉर्ड होता है। आने वाले समय में फिर 90 के ज़माने में जब शाहरुख खान सर की फिल्में हिट होने लगी, उसके बाद शाहरुख खान सर ने 20 के ज़माने में ये हाउस ले लिया जिसका नाम है मन्नत, जहाँ पर हर एक बॉलीवुड का स्टार जानता है, हर एक जो इंडिया में व्यक्ति रहता है ना वो मन्नत को जानता ही जानता है। भले मुकेश अंबानी सर के घर को नहीं जानता हो बट मन्नत जैसे घर को जानता ही जानता है। अभी आप लोग मेरे पीछे देखोगे भाई प्यारा सा समुंदर है, यहीं पर इसी समुंदर के पास ही शाहरुख खान सर का घर है। ये बिल्डिंगें देखने को मिलेंगी खूबसूरत खूबसूरत सी, और शाहरुख खान सर का घर भी हम लोग को बीच के बिल्कुल जस्ट सामने ही देखने को मिलता है। काफ़ी सारे लोगों को कहना है कि शाहरुख खान सर सुबह के टाइम या शाम के टाइम कभी यहाँ पर आते हैं, फिशिंग वगैरह करते हैं, घूमते हैं, ऐसे काफ़ी सारे लोगों का कहना है। बट अभी तक यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें शाहरुख खान सर बैंड स्टैंड के पास घूम रहे हैं। वहाँ पर शाहरुख खान सर के बहुत सारे बॉडी गार्ड्स वगैरह खड़े रहते हैं, हमेशा 24 घंटे खड़े रहते हैं और उनके घर की निगरानी करते हैं। फिलहाल देखोगे ये प्यारा सा बीच है, जो जू बीच हो गया उसको ज्वाइन हुआ हुआ बीच है जो बैंड स्टैंड में आ जाता है और बहुत ज़्यादा अमेजिंग भी लगता है। जस्ट इसके सामने शाहरुख खान सर का घर है मन्नत, वो भी काफ़ी सारे लोग देखने आते हैं और लाखों लोग हैं जो शाहरुख खान सर के घर को मन्नत को जानते हैं, सब लोग विज़िट करते हैं। कैसे विज़िट करना है, बहुत इजी तरीका है, उसके लिए आप लोग आ सकते हो बांद्रा स्टेशन,
वेस्ट वाली साइड में आ जाना, वेस्ट वाली साइड से आप लोग पकड़ सकते हो शेयरिंग ऑटो। मैं रिकमेंड करूँगा शेयरिंग ऑटो ना पकड़ो, उससे अच्छा बस में आओ, सिर्फ 6 रुपये लगते हैं और बस में खाली खाली बस रहती है। बिल्कुल बस वाला आप लोगों को वहीं छोड़ेगा जहाँ पर आप लोगों को शाहरुख खान सर का घर दिख रहा है ना, जस्ट आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सामने दिखा देता हूँ वो बस खड़ी है, बस वही बस है। आप लोग बैंड स्टैंड काफ़ी इजी तरीके से आ सकते हो और विज़िट कर सकते हो। भाई वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, भले शेयर वेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, वो लोग इस लोकेशन को देखेंगे और जो मुंबई में रहता है वो ज़रूर आके विज़िट करे इस लोकेशन पर।